हेलो स्टूडेंट, मैं राधेश्याम, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर। स्टूडेंट, अपने पिछली वीडियो में जो स्पेशल तरह की वायरिंग है, जैसे सुरंग वायरिंग हो, गोडाउन वायरिंग हो, या जो सीढ़ी वायरिंग हो, उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज हम गोडाउन वायरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो सीढ़ी वायरिंग है उसके बारे में पढ़ा था। आज गोडाउन वायरिंग का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है वो कैसे बना होता है, यह वर्क कैसे करता है, और इस वायरिंग के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस वायरिंग के कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपोनेंट स्टूडेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे इसके अंदर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, और उधर मैंने ये कंपोनेंट लिख भी रखे हैं। पहला है जैसे वन वे स्विच स्टूडेंट, ये लगा हुआ है। वन वे स्विच आपको पता ही है, जिसको अपने सिंगल वे स्विच भी बोलते हैं, वो लगा होता है जो एक ही बार ऑन या ऑफ करता है। उसी तरह टू वे स्विच कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर देखिए स्टूडेंट, टू वे स्विच भी लगे हुए हैं। देखो इसमें तीन ये टू वे स्विच लगे होते हैं। अब टू वे स्विच में स्टूडेंट आपको पता है कि इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं। वन वे स्विच में दो ही टर्मिनल थे, इसके अंदर तीन टर्मिनल है, सभी में टू वे है। तो ये तीन टू वे स्विच इसमें मैंने लगा रखे हैं। अब इसमें लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लैंप लगे होते हैं। अब लैंप को लगाने के लिए होल्डर की ज़रूरत है, तो अपने होल्डर भी इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। अब इनको को कनेक्ट करने के लिए आपस में पीवीसी वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, गोडाउन वायरिंग सबसे पहले होती क्या है? तो गोडाउन वायरिंग का जो यूज है, एक से अधिक लैंपों को अनुक्रमिक तरीके से कनेक्ट करने के लिए या उनको चलाने के लिए अपने गोडाउन वायरिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे गोडाउन वायरिंग का उपयोग अपने एक ही समय में एक ही लैंप को चला सकते हैं। इस वायरिंग की एक विशेषता होती है कि अपने एक ही समय में एक ही लैंप को जला सकते हैं। तो अपने इसकी वर्किंग में ये चीज़ पढ़ लेंगे। तो इस वायरिंग के कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ इस वायरिंग की क्या है स्टूडेंट, की हानि इस वायरिंग की ये है कि इसके द्वारा अपने एक ही समय में एक ही लैंप जला सकते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पावर लॉस नहीं होता बिल्कुल ही। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है अपने को, वहीं पे अपने लैंप जलाएंगे, तो इसलिए इसमें पावर लॉस नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी सबसे पहले वर्किंग देखो। आप वर्किंग में देख लो, ये न्यूट्रल अपने दे रहे हैं इसको, इसके एक एक लैंप को क्या कर दिया, ये न्यूट्रल दे दिया अपनों ने, ये न्यूट्रल इसको दे दिया है। इसी तरह इसके फेज़ को देखो, वन वे स्विच के द्वारा या सिंगल वे स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अब वन वे का जो आउटपुट है उसको टू वे स्विच के द्वारा यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसको भी टू वे स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया, इसके आउटपुट को इसके टू वे स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया, और अपने लास्ट इस लैंप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको जब मैं ऐसी सप्लाई दूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट, कि मैं वन वे स्विच को क्या करूँगा, ऑन करूँगा। ऑन होते ही सप्लाई इस टू वे स्विच में जाएगी। तो आपको पता है टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, तो टू वे स्विच का मतलब हो गया कि ये एक ही टू वे स्विच का मतलब दोनों रास्ते, मतलब ये एक बार ऑन या एक बार ऑफ भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऑन किया, तो क्या होगा, ऑन करते ही क्या होगा स्टूडेंट, इसको ऑन जब मैं करूँगा तो क्या होगा कि ये लैंप अपने जब ऑन करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सर्किट ऐसे पूरा हो जाएगा। ये सर्किट देखो इस तरह से पूरा हो रहा है, तो ये लैंप अपना क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इसको इधर से मिल रहा है और इसको फेज यहाँ से मिल रहा है, तो ये लैंप जल जाएगा। लेकिन यहाँ से इस स्विच से आगे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से इस दो टर्मिनल के दोनों नीचे टर्मिनल को अपने देखते हैं, यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जा रही है, धारा जा नहीं रही है, तो आगे क्या होगा, ये लैंप नहीं जलेंगे। तो ओके स्टूडेंट, इसी तरह अब क्या करूँगा कि मैं इसको आगे जाऊँगा, तो मैंने मान लो ये एक मैंने बोला है आपको अनुक्रमिक तरीके से लैंप लगे होते हैं, क्योंकि गोडाउन वायरिंग होती है, आपको पता ही है यह जो वायरिंग है गोदामों में की होती है, तो गोदाम लंबे लंबे होते हैं, तो जहाँ अपने को आवश्यकता होती है वहीं पे अपने को लैंप जलाना है। तो इससे क्या होगा कि जो सीध में आएगा वहाँ अपने लैंप जला लेंगे, उससे आगे की सप्लाई बंद रखेंगे, वहाँ के लैंप होने की जब ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ अपने लैंप नहीं जलना चाहिए। इससे क्या होगी, अपनी पावर लॉस नहीं होगी। तो अब मैं इस मान लो आगे जाता हूँ, तो आगे वाले रास्ते पे जाके मैं देखता हूँ यहाँ इस वाले लैंप की मेरे को आवश्यकता है, तो मैं इस लैंप को ऑन करूँगा। इस लैंप को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ होगी है, तो इसको जो सप्लाई है स्टूडेंट देखो कैसे मिलेगी, इसको जो सप्लाई है, क्योंकि ये ऑन कंडीशन में ही रहेगा, इसको जो सप्लाई है जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो इसको यहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है, तो ये क्या होगा, ये लैंप जल जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ऑफ कंडीशन के अंदर
हो जाएगा, क्योंकि इसको जो धारा है फिर कहाँ से मिलेगी, इसको धारा यहाँ से मिल जाएगी। तो ये ऑफ कंडीशन में, ये ऑन कंडीशन में होगा तो ये पीछे वाला क्या होगा, लैंप बुझ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आगे वाला लैंप अपने को जलाना है तो अपने आगे वाले जो टू वे स्विच को है इसको ऑन करेंगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, लैंप बुझ जाएगा और आगे वाला जल जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट अपने देखते हैं कि जहाँ पर अपने को रोशनी की आवश्यकता है वहाँ पर ही अपने लैंप जला रहे हैं, जिससे जो आवश्यक अनावश्यक जो पावर लॉस होगा वो नहीं होगा। तो गोडाउन वायरिंग का जो यूजेज है स्टूडेंट अपने देखते हैं कहाँ करते हैं, गोदामों में कर सकते हैं, जहाँ पे टनल वायरिंग भी बोलते हैं इसको एक तरह से, टनल वायरिंग में सुरंगों में, और सुरंगों में कर सकते हैं, और एक अपने जो लंबे रास्ते होते हैं गुजरने वाले जो लंबे रास्ते होते हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग अपने कर सकते हैं। तो इस तरह गोडाउन वायरिंग को अपने समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट गोडाउन वायरिंग के जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो पावर लॉस है वो नहीं होता, और जहाँ पर अपने को रोशनी की आवश्यकता है वहीं पे लैंप जलाने लैंप जलता है, बाकी अपने को अनदर लैंप अपने ऑफ रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये अपने लंबे लंबे गोदामों में इसका यूज अपने कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।